हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट वन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम नर्सिंग में पेशेंट का करते हैं, फिजिकल असेसमेंट जो हम करते हैं, उस फिजिकल असेसमेंट का क्या फॉर्मेट होता है। हम किस बॉडी पार्ट का कौन सा असेसमेंट करते हैं, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, परकशन करेंगे, कौन से बॉडी पार्ट में हम क्या क्या चीज़ों का हम एग्जामिन करेंगे, किस बॉडी पार्ट में साइज़ देखेंगे, कहाँ शेप देखेंगे, कहाँ सिमेट्री देखेंगे, कहाँ काउंटर देखेंगे, कहाँ कलर देखेंगे। ठीक है, आज इस सेशन में हम पहले पार्ट वन में 50% बॉडी पार्ट्स का हम देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो हम इसका बनाएंगे उसमें हम बचे हुए बॉडी पार्ट्स का देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में हम सारा बनाते हैं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा जो कि आप लोग के लिए बोरिंग होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल अपीयरेंस। हम जो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा जनरल अपीयरेंस। ठीक है, जनरल अपीयरेंस में हमारा सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी बिल्ट। बॉडी बिल्ट का मतलब मस्कुलर या थिन। बॉडी बिल्ट का मतलब जो इंडिविजुअल होगा उसकी बॉडी बिल्ट कैसी, मतलब वो मस्कुलर है, हेल्दी है या थिन, एकदम पतला है। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। पॉस्चर मतलब पेशेंट का जो पॉस्चर है, या जैसे वो खड़ा है तो सीधा खड़ा है या आगे झुक के खड़ा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट खड़ा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस आगे से झुका हुआ है या पीछे झुका हुआ है, अगर वो पॉस्चर उसका टेढ़ा मेढ़ा है तो उसे हम स्लम्प्ड पॉस्चर बोलते हैं, वो अबनॉर्मल है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखेंगे, पेशेंट कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। ओरिएंटेशन देखेंगे कि मतलब पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन, मतलब वो कौन सा उसमें कितना टाइम हो रहा है, किस जगह पे है वो, उसके सामने कौन है, वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद अगला हम देखेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम देखेंगे एक्टिवेट मतलब कि पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ खुद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है या कुछ कर पा रहा है। ठीक है, बिहेवियर में कॉपरेटिव या अनकॉपरेटिव। कॉपरेटिव मतलब कि हम पेशेंट से जो भी चीज़ बोलते हैं वो हमें हेल्प कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, वो हमारे साथ असेसमेंट करने में कॉपरेट कर रहा है। अगला एटीट्यूड। एटीट्यूड हम देखेंगे पेशेंट का एटीट्यूड कैसा है हमारी तरफ, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, अगला स्पीच देखेंगे। स्पीच में हम चेक करेंगे पेशेंट अप्रोप्रिएट आंसर्स दे रहा है कि नहीं, हमारे कंटेंट क्या है जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, पैटर्न उसके बोलने का जो पैटर्न है वो सही है या नहीं। क्लीनलीनेस हम देखेंगे पेशेंट वेल ग्रूम्ड है या नहीं, वेल ड्रेस्ड है या नहीं कि पेशेंट, क्योंकि अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सर्टेन होता है कि पेशेंट्स या साइकेट्रिक प्रॉब्लम ऐसा होता है, साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम में पेशेंट क्या करते हैं, इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब वो अगर वो समर सीज़न होगा वो विंटर के क्लोथ्स पहनेंगे, विंटर सीज़न होगा वो समर के क्लोथ्स पहनेंगे, इस तरीके से। ठीक है, पहला जनरल अपियरेंस। दूसरा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे, डोनर ब्लड से देखेंगे। मेनली हम ये तीन चीज़ें इसलिए देखते हैं कि हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का आइडेंटिफाई करना होता है, पेशेंट अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है। ठीक है, हम पेशेंट का इसमें BMI कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट की हेल्प से, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अगला है हमारा वाइटल साइंस। हम वाइटल साइंस देखेंगे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये चारों चीज़ें वाइटल साइंस भी देखते हैं। अगला है हमारा स्किन। ठीक है, हम स्किन में देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। स्किन में सबसे पहले हम कलर देखते हैं। हमारा जो स्किन का कलर होगा वो हमारा पिंकिश वाइट से ब्राउन तक वैरी करेगा। ठीक है, हमारा जो स्किन का कलर होगा वो हमारा पिंकिश वाइट कलर से वैरी ब्राउन के वेरियस शेड्स तक वैरी करेगा, मतलब कि हमारे कई कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगला हम टेक्सचर देखेंगे, और हमारा कलर में कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं कलर में, जैसे कि स्किन का कलर साइनोस्ड हो सकता है, मतलब ब्लूश डिस्कलरेशन हो सकता है, ज्वाइंटिस की वजह से येलो हो सकता है, पार्लर में पेलनेस हो सकता है स्किन का कलर। ठीक है, अगला हमारा टेक्सचर है। टेक्सचर में हम देखेंगे कि हमारी स्किन स्मूथ सॉफ्ट से ड्राई रफ तक हो सकती है, स्मूथ या सॉफ्ट होगी या ड्राई रफ हो सकती है। ठीक है, हमारा टेक्सचर जो है डिहाइड्रेशन की वजह से चेंज हो जाता है, क्योंकि जो पेशेंट डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें मतलब स्किन जो होती है एकदम लूज स्किन होती है, रिंकल फॉर्मेशन हो जाता है। टर्गर, टर्गर यहाँ पे हम टर्गर का मतलब होता है इलास्टिसिटी, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे पेशेंट की जो स्टर्नम होती है और या क्लेविकल बोन होती है, क्लेविकल बोन के बिलो में हम क्या करेंगे पेशेंट की स्किन फोल्ड को कैच करेंगे उन फिंगर में, उसके बाद उसको लीव करेंगे। अगर वो जो फोल्ड हमने कैचअप किया अगर वो इमीडिएटली अगर वो तुरंत ही नीचे फ्लैट हो जाता है तब तो हमारा टर्गर जो है गुड है, लेकिन अगर हमारा वो जो स्किन फोल्ड बहुत स्लोली नीचे जा रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो मतलब स्किन में इलास्टिसिटी लॉस्ट हो चुकी है या बहुत
लो इलास्टिसिटी है। अगला टेम्परेचर, हमारा स्किन का जो टेम्परेचर मेनली होता है वार्म एंड ड्राई होता है। स्कार में क्या होता है कि स्किन में पेशेंट्स को अगर कभी कोई वुंड हुआ हो या कोई इंजरी हुई हो तो वहाँ पे जब कनेक्टिव टिश्यूज का अक्यूमलेशन हो जाता है तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हमें मिलेगा। पिगमेंटेशन, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन में जैसे कि हमारा वाइट पैचेस मिल सकते हैं हमें। अगला हम देखेंगे हेड। अब हम हेड में आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम हेड में इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे हेड में कोई शेप, हेड का शेप मेनली जो हमारा हेड का शेप वो ओवल होता है या राउंड होता है, ठीक है। अगला सिमेट्री, सिमेट्री में देखेंगे कि हमारी जो हेड है वो सिमेट्री मतलब वो इक्वल शेप में है, कोई चेंजेस नहीं है। स्कैल्प, हम हेड में चेक करेंगे कि स्कैल्प देखेंगे कैसा है उसका, स्कैल्प में कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम डेंड्रस देखेंगे कि हमारे स्कैल्प में कोई डेंड्रस प्रेजेंट तो नहीं, पेडिकुलाई देखेंगे। फिर हम पालपेशन करेंगे, यहाँ पे हम हेड में पालपेट करेंगे जब तो हमें लीजन्स या मासेस का प्रेजेंस मिल सकता है, ठीक है। अगला हेयर, हेयर में हम इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन में हम हेयर में कलर देखेंगे, हमारा ब्लैक कलर हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, कलर तो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हम टेक्सचर देखेंगे कि हमारे जो हेयर है वो स्मूथ है, शाइनी होने चाहिए। मैं इस नॉर्मली एबनॉर्मेलिटी में हमारे डैंड्रफ की वजह से या पेडिकुला की वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये देखेंगे कि हमारे जो हेड में हेयर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ग्रूमिंग, हमारे वेल ग्रूम्ड होने चाहिए लेकिन एबनॉर्मेलिटी की वजह से हमारे एलोपेशिया हो सकता है, बाल्डनेस या हिर्सुटिज्म हो सकता है। हिर्सुटिज्म का मतलब है कि एक्सेसिव हेयर मतलब बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं बॉडी में, फेस पे, फिंगर्स पे और अदर बॉडी पार्ट पे बहुत ज़्यादा हेयर का प्रेजेंस हो, उसे हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। अगला फेस, फेस में हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। फेस में सिमेट्री देखेंगे कि हमारा जो बोथ साइड का फेस है वो इक्वल होना चाहिए, कोई एबनॉर्मेलिटी, क्योंकि हमारा अगर कभी कभार जो हमारा जो पैरालिसिस होता है हेमिप्लेजिया जब हो जाता है तो एक साइड में बॉडी, एक साइड के फेस की जो मसल्स होते हैं मसल की वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एक साइड की मसल्स होती है वो लॉस्ट हो जाती है, वो एक साइड के एकदम नीचे मतलब डाउनवर्ड पोर्शन में हमेशा रहती हैं, ठीक है। सिमेट्री देखेंगे, फेशियल पफिनेस देखेंगे, हमारे फेस में पफिनेस तो नहीं है। फेशियल मूवमेंट्स देखेंगे कि हमारे जैसे हमने पहले भी बोला कि हमारा हेमिप्लेजिया के या केसेस में हमारी एक साइड की जब मसल वीकनेस हो जाती है तो हम जब लाफिंग करते हैं या स्पीक करते हैं तो हमारी एक साइड की मसल या एक साइड का फेस की मूवमेंट नहीं होता बिल्कुल भी। हम ग्रूमिंग देखेंगे कि हमारी इक्वल ग्रूमिंग है या नहीं, वेल ग्रूम्ड है या नहीं पेशेंट। पालपेशन में यहाँ पे टेंडरनेस चेक करेंगे कि हमारे फेस में किसी एरिया में कोई टेंडरनेस तो नहीं है। हम यहाँ पे साइनसिस का असेसमेंट करेंगे, टेंडरनेस में हम साइनसिस का असेसमेंट करते हैं मेनली कि हमारे जो साइनसिस प्रेजेंट होते हैं एयर फिल्ड कैविटीज उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो टेंडर तो नहीं है, क्योंकि हमारे साइनसिस का टेंडरनेस हमें साइनसाइटिस का इंडिकेशन देता है, ठीक है। अगला है हमारा आईज, यहाँ पे हम आईज का असेसमेंट चालू करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन में सबसे पहले आईब्रोज देखेंगे कि हमारी आईब्रोज प्रेजेंट है या नहीं। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर देखेंगे कि हमारी जो आईब्रोज की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लीजन्स हमारा कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लीजन्स एबसेंट होना चाहिए। डैंड्रफ हम देखेंगे कि हमारे आईब्रोज में डैंड्रफ तो प्रेजेंट नहीं है। अगला आईलेड, हम आईलेड का इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन में मूवमेंट देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जो आईलेट का मूवमेंट है वो इक्वल मूवमेंट होना चाहिए। इसको हम चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं। अब हम आईलेट्स के बाद आईलैशेस देखेंगे। आईलैशेस में हम सबसे पहले देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हमारी जो हेयर का मतलब जो डायरेक्शन होगी वो कट आउटवर्ड होगा, मतलब आउटवर्ड साइड की मूवमेंट होगी। डैंड्रफ हम देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारे लैशेस में डैंड्रफ तो नहीं है। उसके बाद आईबॉल में इंस्पेक्शन में पोजीशन देखेंगे कि हमारी जो आईबॉल दोनों साइड की इक्वल पोजीशन में होनी चाहिए। मोमेंट हम देखेंगे कि हमारी आईबॉल का मूवमेंट इक्वल होना चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, अपने फिंगर को एक साइड से सेकंड साइड पे मूव करेंगे, पेशेंट से कहेंगे उसको फॉलो करने के लिए। हम कंजक्टाइवा देखेंगे पेशेंट का, स्लेरा चेक करेंगे। हम कॉर्निया देखेंगे, कॉर्निया में हम देखेंगे पेशेंट का जो कॉर्निया वो स्मॉल कलर में होना चाहिए एकदम ब्लैक। फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखेंगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में हम देखेंगे कि पेशेंट की हम कॉर्निया पर लाइट का एक्सपोजर करेंगे तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं प्यूपिल, प्यूपिल में हम सबसे पहले देखते हैं इंस्पेक्शन। कलर ब्लैक होगा, साइज़ हमारा इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का, शेप हमारा जो प्यूपिल का साइज़ होगा राउंड होगा। विजुअल एक्टिविटी, हम एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस चेक करेंगे प्यूपिल का। हम देखेंगे पेशेंट स्पेक्टिकल्स का या लेंस का यूज़ करता है या नहीं, ठीक है। अगला है हमारा ईयर, ईयर में हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। पोजीशन प्रोपोर्शनल टू हेड, हमारा जो बोथ साइड के ईयर है वो पोजीशन मतलब जो इक्वल पोजीशन में होने चाहिए। सिमेट्री, हम देखेंगे दोनों ईयर्स की हमारी जो सिमेट्री है वो आइज़ के लेटरल पोजीशन पे होनी चाहिए।
साइज एंड शेप, हमारा जो बोथ ईयर्स का साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए और शेप एक जैसा होना चाहिए। लीजन्स एंड लंप ऑफ पिना, हम चेक करेंगे हमारा जो पिना होता है आई ईयर का उस पर कोई लीजन्स तो प्रेजेंट नहीं, कोई लंप है या नहीं, ठीक है। फिर हम एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल देखेंगे, हमारी जो एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल होगी पिंक कलर में स्मूथ होगी। हमें एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल में जब हम ऑटोस्कोप से व्यू करेंगे तो हमें वैक्स का प्रेजेंस मिल सकता है। मास्टॉइड एरिया में जब हम व्यू करेंगे तो हमें टेंडरनेस मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। मास्टॉइड एरिया जब करेंगे तो हमें टेंडरनेस प्रेजेंट मिलेगा। यूज़ ऑफ हियरिंग एड हम देखेंगे पेन, हम जब पेशेंट का पालपेट करेंगे तो हमें पेन प्रेजेंट मिल सकता है मास्टॉइड एरिया में मेनली इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से। आगे नोज़ में इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले नेजल सेप्टम, हमारा जो नेजल सेप्टम वो स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में डेविएटेड भी होता है। पॉलिप्स, पॉलिप्स का मतलब होता है आउटग्रोथ, हमारे नोज़ में हम देखेंगे हमारे आउटग्रोथ हमें मिल सकती है कुछ चीज़ों की। म्यूकस मेम्ब्रेन, हम म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे मेनली पिंक कलर की होनी चाहिए। डिस्चार्जेस हम देखेंगे नोज से कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज प्रेजेंट तो नहीं है। फॉरेन बॉडीज़ की प्रेजेंस हमें मिल सकती है, कोई इन्फेक्शन की प्रेजेंस हमें मिल सकती है। पेटेंसी, इसमें हम क्या करेंगे पेशेंट से बोलेंगे कि अपनी एक साइड की नोस्ट्रिल क्लोज करें और सेकेंड साइड से इनहेल एक्सहेल करें, फिर सेकेंड साइड की क्लोज करें और नेक अपोजिट साइड से उसकी एक्सहेल इनहेल करें, ताकि हम पेटेंसी चेक करेंगे बोथ साइड में पेटेंट है या नहीं, इसलिए इनहेल एक्सहेल बोथ साइड से हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं इसके जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स हैं उनका हम फिजिकल असेसमेंट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।